समय अवधि को घटाना सीखते हैं कि किस तरह से हम समय अवधि को घटा सकते हैं। हमारे पास एक सवाल है, 8 घंटे 20 मिनट में से 3 घंटे 30 मिनट घटाना या घटाओ, तो हल करना शुरू करते हैं। 8 घंटे 20 मिनट लिख लेते हैं, 8 घंटे 20 मिनट, और इस 8 घंटे 20 मिनट में से हमें 3 घंटे 30 मिनट घटाना है, तो उसे भी लिख लेते हैं, ऋण 3 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट इस तरह से, घंटे के नीचे घंटे और मिनट के नीचे मिनट। अब हमें घटाना है 20 मिनट में से 30 मिनट, ठीक है, 20 मिनट में से 30 मिनट घटाना है, बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा, 20 छोटा है 30 बड़ा। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, या देखिए इस 8 घंटे में से हम 1 घंटा लेंगे, ठीक है, 1 घंटा मतलब कितना मिनट मिल गया, 60 मिनट। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके पास 20 मिनट है और 30 मिनट घटाना है, नहीं बन पाया, तो इस 8 घंटे में से 1 घंटा, और उस 1 घंटे में हमें मिल गया कितने मिनट, 60 मिनट, तो यह 20 मिनट और है उसके पास, तो 60 मिनट और 20 मिनट यह हो गया 80 मिनट, इतना समझ आया। अब क्योंकि इसने 1 घंटा दे दिया, तो इसके पास बचे केवल 7 घंटे, ठीक, अब बन जाएगा 80 में से हम 30 घटा सकते हैं, बिल्कुल, तो घटा लेते हैं, 0 में से 0 0 और 8 में से 3 5 50 मिनट। अब 7 में हम 3 घटा सकते हैं, 7 में से 3 4 घंटे, तो हमें उत्तर क्या मिला, 4 घंटे 50 मिनट। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से घटाएंगे, क्योंकि यहां 20 मिनट है और 30 मिनट कम करने हैं, नहीं बन पाएगा, तो हम इस 8 घंटे में से 1 घंटा लेंगे, 1 घंटे में हमें मिल गए 60 मिनट और उसके पास 20 मिनट पहले से है, तो वह हो गया 60 और 20 80 मिनट, और चूंकि इसने 1 घंटा दे दिया, तो इसके पास बचे 8 में से कम 4 घंटे, और फिर हम आसानी से घटाना की क्रिया कर सकते।